हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग। दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग पर, और आज मैं आपके साथ हूं आपका अपना दोस्त सुनील फगेड़िया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक क्लॉक, जिसकी आज मैं चर्चा करने से पहले आपको बता देता हूं कि दोस्तों आज हम क्लॉक के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, और बेसिक आपको इतना अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूं कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो दोस्तों क्लॉक में सबसे पहले क्या होता है? दोस्तों क्लॉक में सबसे पहली बात तो यह है कि क्लॉक में चार चीजें ध्यान रखने योग्य हैं। अब देखो सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहली बात तो यह है कि क्लॉक के अंदर एक डायल होता है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है, एक डायल होता है। डायल अपन किसको बोलते हैं, डायल किसको बोलेंगे, जिसके ऊपर एक ऐसी गोलाकार या चौकोर पट्टी का, जिसके ऊपर 1 से लेकर 12 तक नंबर्स लिखे होते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, डायल बोलेंगे घड़ी का। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में एक सबसे पहले होगी अपनी मिनट हैंड, ठीक है। मिनट की सुई। उसके बाद में सेकंड नंबर पे होगी अपनी आवर हैंड, कोई सी भी ले लो फर्स्ट सेकंड पे। अब उसके बाद में थर्ड पे होगी अपनी सेकंड हैंड है भाई, घड़ी सेकंड हैंड नहीं है अपनी, घड़ी तो फर्स्ट टाइम ही है ना, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहली बात तो यह आती है कि घड़ी के मिनट की सुई और घंटे की सुई और सेकंड की सुई, इनके द्वारा बनाए गए एंगल्स के बारे में, और इसके इससे रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सभी क्वेश्चंस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको मैं क्लॉक बना के दिखा देता हूं एक बार। ये क्या आ गई दोस्तों, अपनी एक क्लॉक आ गई, क्लॉक, और एक होती है वॉच। वॉच जो होती है वो तो अपन जो कलाई घड़ी जो बांधते हैं उसको बोलते हैं वॉच, और क्लॉक जो होती है दोस्तों एक होती है अलार्म क्लॉक और एक होती है वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक जो कि अपन दीवार पे लगाते हैं, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर क्या होते हैं, 1 to 12 नंबर्स होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 12 तक क्या होते हैं दोस्तों, नंबर्स होते हैं। तो यहां से शुरू कर दो, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये आ गया अपना 12 आ गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके ऊपर नंबर्स होते हैं। और अब इसके अंदर बीच में खाने कितने होते हैं, वो खाने की भी मैं बात बता देता हूं। देखो 5 खाने होते हैं एक के बीच में, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 खाने होते हैं दोस्तों। एक खाने के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है, एक खाने के बीच में एंगल होता है 6 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 6 डिग्री का होता है। 6 डिग्री का एंगल क्यों होगा, क्योंकि देखो अब सबसे पहली बात यह है कि इसका कंप्लीट एंगल कितना होता है, घड़ी का कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री एंगल, या अपन 0 डिग्री एंगल भी बोल सकते हैं। 360 डिग्री है कंप्लीट राउंड, जब घड़ी लगा लेगी तो एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये आ गई अपनी मिनट की सुई, और ये आ गई अपनी घंटे की सुई, और सबसे बड़ी सुई जो होती है वो क्या होती है, सेकंड की सुई होती है, सबसे छोटी घंटे की सुई होती है। अब देखो बात आती है कि सबसे पहले कि इसके अंदर जो डॉट होते हैं, जो लाइन होती है, ये लाइंस होती हैं, ये कितनी होती हैं, ये लाइंस एक के बीच में, हर एक घंटे के बीच में या दो डायल्स के बीच में कितनी लाइन होती हैं, 4 लाइंस होती हैं। मतलब 5 खाने होते हैं तो सभी पे कितने खाने हो जाएंगे, 60 खाने हो जाएंगे घड़ी पे। तो एक एंगल कितने डिग्री का हो गया, एक खाने का एंगल कितना डिग्री का हो गया, 360 upon 60 = 6 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया दोस्तों, ये एंगल आ गया अपना 6 डिग्री। तो ऐसे कितने खाने हैं, 5 खाने हैं, तो एंगल ये कितना आ गया, यहां से यहां तक का एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल हो गया। अब सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं मिनट की सुई की बात, ठीक है। मिनट एंड, और सभी देखेंगे, देखो ध्यान से देखना जरा। अब सबसे पहले अपन हेडिंग लगा देते हैं मिनट एंड, घड़ी के मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई, मिनट की सुई। भाई हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा मिक्सअप चल रही है तो इजीली समझ में आ जाना चाहिए, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मिनट की सुई
मिनट की सुई एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? एक घंटे में बनाया गया कोण, एक घंटे में बनाया गया कोण कितना डिग्री बनाएगी भाई? 360 डिग्री बनाएगी दोस्तों। कितना डिग्री बनाएगी? 360 डिग्री, मतलब एक घंटा जब कंप्लीट हो जाएगा तो मिनट की सुई कितना डिग्री एंगल बनाएगी? 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। उसके बाद में बात आती है कि एक घंटे में तो 360 डिग्री एंगल, और एक घंटे का मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना बनाएगी? 60 मिनट में बनाएगी 360। और उसके बाद में 1 मिनट का फाइंड कर लो, 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, कैंसिल कर दो, 6 डिग्री। मतलब एक घड़ी के घंटे की सुई, सॉरी मिनट की सुई एक मिनट में, मिनट की सुई एक मिनट में, एक मिनट में कोण बनाती है, एक मिनट में कोण कितना बनाएगी? 6 डिग्री का बनाएगी मिनट की सुई। अब उसके बाद में बात आती है, देखो जब घड़ी की सुई एक मिनट कंप्लीट कर देगी उसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 6 डिग्री का एंगल बनेगा। अब उसके बाद में अपन ले लेते हैं आवर एंड, आवर एंड ले लेते हैं जिसको हिंदी में बोल देंगे घंटे की सुई, ठीक है? क्या बोलेंगे भाई? घंटे की सुई बोलेंगे दोस्तों, ठीक है? तो देखो घंटे की सुई की बात आती है तो घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बनाया गया कौन, 12 घंटे में बनाया गया कोण, 12 घंटे में बनाया गया कोण बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। मतलब 12 घंटे में, 12 घंटे में कितना डिग्री एंगल बनाएगी? 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब उसके बाद में एक घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 360 अपॉन 12 है, ठीक है? तो कैंसिल कर दो, कितना हो गया, कैंसिल करते ही कितना हो गया, 30 डिग्री। मतलब घड़ी के घंटे की सुई एक घंटे में, एक घंटे में बनाया गया कोण, घड़ी के घंटे की सुई द्वारा एक घंटे में बनाया कोण गया कोण कितना होता है? 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। साथ साथ में नोट करते रहना दोस्तों। अब देखो उसके बाद में बात आती है एक घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट में, 60 मिनट में कोण कितना बनाती है? 30 डिग्री। अब बात आती है एक मिनट में बनाया गया कोण, एक मिनट में कितना बनाएगी? 30 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 डिग्री, ठीक है? ये एंगल हो गया कितना, एक मिनट का, एक मिनट में बनाएगी घड़ी के घंटे की सुई 1/2 डिग्री। ऐसे ही तुम लोग किसका फाइंड कर सकते हो? सेकंड हैंड का, ठीक है? सेकंड की सुई, सेकंड हैंड घड़ी के सेकंड की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है दोस्तों? सेकंड की सुई कितना कोण बनाएगी? देखो सेकंड की सुई 1 मिनट में, या इसको अपन क्या बोल देंगे, 60 सेकंड में कितना डिग्री एंगल बनाएगी? 360 डिग्री। और एक सेकंड में बनाएगी कितना? 360 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू कितना डिग्री आ गया? 6 डिग्री एंगल आ गया घड़ी के। अब सबसे पहली बात तो यह है कि घड़ी के मिनट की सुई एक मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगी? एक मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाएगी। उसके बाद में घड़ी के घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री एंगल बनाएगी। कहने का मतलब यह है कि मिनट की सुई जब एक मिनट कंप्लीट हो जाएगी तो वो कहाँ पर आ जाएगी? एक मिनट में एंगल कितना बनाएगी? देखो 6 डिग्री, मतलब एक खाना चलेगी, एक खाना चलती है ना, अरे एक मिनट यहाँ से यहाँ तक ही तो होती है, मतलब एक खाना चली है, तो ये कितना डिग्री हो गया? 6 डिग्री, जो कि अपन पहले ही फाइंड कर चुके हैं, पहले मैंने तुम लोगों को बता दिया है। अब देखो सबसे पहली बात तो यह आती है कि एक दिन जब अपन बोलते हैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि एक दिन मैंने काम कितना किया, मैंने एक दिन पूरे दिन काम कर लिया, तो एक दिन का मतलब ही दोस्तों आज आपको बता देता हूं, एक दिन में क्या होता है, एक दिन प्लस एक रात, वन डे इज इक्वल्स टू कितना हो गया, इज इक्वल्स टू 24 आवर, ठीक है? ये बात ध्यान में रखना तुम लोग, कहीं ऐसा ना कर दो कि वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था जिसमें मोस्टली बच्चों ने गलत कर दिया, क्या किया, यहाँ वन डे के में कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स कर दिए, जबकि आवर्स होते कितने हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है? अब उसके बाद में अपन नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों ये साथ में नोट कर लेना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, रिविजन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपके, ठीक है? अब सबसे पहले अपन बात करते हैं घड़ी के द्वारा बनाए गए एंगल्स की, ठीक है?
अभी अपन सेकंड की जो सुई है उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक बार उसको भूल जाओ, ठीक है, उसको याद मत करना, एक बार घड़ी के जो सेकंड की सुई है उसको याद मत करना, उसको अपन लास्ट में देखेंगे। अब सबसे पहली बात तो यह है कि घड़ी के मिनट की सुई और घंटे की सुई, ये दोनों सुइयां काम आने वाली हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंगल की, कोण की बात करते हैं, कोण की बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है अपना 360 डिग्री एंगल ले लो, चाहे आप 0 डिग्री एंगल ले लो, 360 डिग्री एंगल या 0 डिग्री एंगल, उससे थोड़ा सा 0 डिग्री एंगल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब अपन 360 डिग्री एंगल कंप्लीट राउंड कंप्लीट करते हैं वो एंगल होता है 360, और या 0 डिग्री मतलब वापस उसी जगह पे आ जाना, उसको अपन क्या बोल देंगे, 0 डिग्री एंगल। उसके बाद में ये 360 हो गया, उसके बाद कितना हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा 90 डिग्री, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, अपने एंगल्स हो गए। अब सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि 360 डिग्री का एंगल घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई 360 डिग्री का एंगल एक घंटे में कितने बार बनाती हैं, तो सबसे पहले आ गया अपना 1 आवर में, एक घंटे में कितनी बार बनाएगी, एक घंटे में देखो 360 डिग्री का एंगल का मतलब जैसे अभी टाइम क्या हुआ है, घड़ी में 3 बजे हैं, ठीक है, अभी टाइम क्या हुआ है, 3 बजे हैं, अभी टाइम क्या हुआ, 3 बजे हैं, तो ये जब सुई यहां से यहां आ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी, मतलब 3:45 के करीब, 4 मिनट के करीब, या यहां पर आ जाएगी 2 मिनट के करीब, सॉरी 3:02 के करीब, ये क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, मतलब ओवरलैपिंग हो जाएगी, अतिव्यापन हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये सुई इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर आते ही एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा, मतलब एक घंटे में कितनी बार बनाएगी ऐसा एंगल 360 डिग्री का एंगल, 1 आवर में 1 टाइम, मतलब एक बार। उसके बाद में फिर बात आती है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल अभी आप लोग देख रहे हो, जस्ट सामने देखो इसके, कि अभी एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, ये वाला एंगल कितना डिग्री का है, इस सुई को एक बार हटा देते हैं, तो अभी एंगल कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब 90 डिग्री का एंगल एक तो ये बन गया, एक दूसरा कहाँ बनेगा, इसके नीचे बनेगा, मतलब यहाँ बनेगा, जब टाइम क्या होगा 3:32 के अप्रोक्स होगा, मतलब ये सुई भी थोड़ी नीचे खिसकेगी और ये भी यहाँ आ जाएगी, तो ये यहाँ पर आएगी, तो एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ये क्या करेगी कि 90 डिग्री का एंगल घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयाँ एक घंटे में कितनी बार बनाती हैं, 2 बार बनाती हैं। अब उसके बाद में बात आती है 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल मतलब एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत मतलब जब 3:45 होंगे, 3:45 को अपन क्या बोलेंगे, 2:45 का जब टाइम होगा, 2:45 का टाइम होगा, तो घड़ी के दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, मतलब 2:45 से थोड़ा आगे खिसक जाएगी, ये सुई यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, इस टाइम के इस तो ये वाला जो टाइम होगा, तो यहाँ पर दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, तो अपोजिट हो जाएंगी, तो 1 घंटे में कितनी बार बनाएगी ऐसा एंगल, एक बार ही बनाएगी। अब उसके बाद में बात आती है अपनी 12 घंटे की, ठीक है, ये तो आ गई सबसे पहली अपनी 1 घंटे की, और अब बात आती है अपनी 12 घंटे की, 12 घंटे में घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य बना हुआ कोण, 360 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं, तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएगी, देखो 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 12 घंटे में बनाएगी 11 बार, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 22 बार, और ये भी 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 11 बार। अब आपके लोगों के ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा कि 12 घंटे में 11 बार ही क्यों बनाती है, क्योंकि 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में ये 12 बार बनना चाहिए, और ये कितनी बार बनना चाहिए, 44 बार बनना चाहिए, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। देखो सबसे पहले अपन आ गए घड़ी के ऊपर, अब देखो यहां पर क्या है कि जो 11 से लेके जो 1 तक का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर
360 का जो एंगल है, 360 डिग्री का एंगल वन टाइम ही बनता है, मतलब एक बार ही बनता है। और यहाँ पर जो है 7 से 5 बजे के बीच में या 5 से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल एक बार ही बनता है। और उसके बाद में देखो यहाँ तो क्या हो गया, अब 12 घंटे में एक एंगल तो ये कम हो गया 180 डिग्री का, 12 घंटे में एक एंगल कम हो गया मतलब 11 बार ही बना, तो ये वाला एंगल कम हो गया। अब ये कम क्यों हुआ वो भी बताऊँगा आपको। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल कितने बार बनता है, 3 बार ही बनता है, 90 डिग्री का एंगल 3 बार ही बनता है। और एक ये वाला टाइम पीरियड है यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल 3 बार ही बनता है। अब याद कैसे रखोगे तुम लोग, अरे याद ऐसे रख लो कि लेफ्ट और राइट में तो क्या आएगा, 90 आएगा, और जो बड़ा होगा, बड़ा मतलब क्या होगा, 360 डिग्री एंगल, बड़ा होगा वो ऊपर जाएगा और छोटा होगा वो नीचे आएगा, और सभी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये लो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, सारे क्या हो गए, अलग हो गए ना, ठीक है, ये सारे के सारे अलग हो गए। अब देखो अब बात ये आती है अपनी कि यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल वन टाइम ही क्यों बनता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग अपनी घड़ी को ले लेना और देख लेना कि एक दूसरे के अपोजिट 5 से लेके और 7 बजे के बीच में अपोजिट कब कब होती है, 5 बजे से 7 बजे के बीच में केवल 6 बजे ही ऐसा टाइमिंग आएगा जहां पर 180 डिग्री का एंगल बनना संभव है। अब उसके बाद में बात आती है कि 90 डिग्री का एंगल यहां पर कितनी बार बनता है, 3 बार, 3 बार कब बनेगा, देखो सबसे पहला एंगल तो बन गया अपना, जैसे टाइम हुआ है 2 बजे हैं, अभी 2 बजे हैं मान लो, अब उसके बाद में पहला एंगल कहाँ बनेगा, 2 बजकर और यहाँ कुछ 25 मिनट के करीब बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ना। अब उसके बाद में फिर कब बनेगा, 3 बजे बन गया, फिर कब बन गया, 3:30 बन गया, 3:30 पे बन गया, और 3:30 के बाद में कोई एंगल नहीं बनेगा, कोई एंगल नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि कब बनेगा, 4:05 के करीब बनेगा, यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बनेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 से ऊपर हो जाएगा, इसलिए 90 डिग्री का एंगल क्या बनेगा, 3 बार ही बनेगा। और यहाँ पर देख लो यहाँ पर कब बनेगा, 360 डिग्री का एंगल मतलब एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, 12 बजे होंगी, फिक्स 12 बजे दोनों सुइयाँ एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, ऊपर हो जाएगी। अब दोस्तों देखो अब अपन बात करते हैं अपने 360 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल, ये जो टाइम पीरियड है इसको भी एक बार अपन नोट कर देते हैं। तो 11 से 1 बजे के मध्य 360 डिग्री का कोण एक बार ही बनता है। अब उसके बाद में इधर लिख दो 90 डिग्री का एंगल 8 से 10 व उधर आ गया 2 से 4 बजे के मध्य 3-3 बार ही 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब उसके बाद में अपनी बात आ गई, नेक्स्ट आ गई 180 डिग्री की एंगल की बात आ गई, तो 5 से 7 बजे के मध्य एक बार ही 180 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। अब ये तो बहुत ही आसान है, अब आपको बताने जा रहा हूं, इन्हीं के नीचे मैं आपको फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, दोस्तों देखना ध्यान से देखना जरा। अब इसका तो सबसे पहला इधर बता देता हूं, देखो अब ये वाली टाइप आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। अब देखो अब इसके अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहली बात आ गई अपनी 360 डिग्री एंगल या 0 डिग्री एंगल, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगल का फॉर्मूला होगा टाइम रेशियो 60/11 मल्टीप्लाई टाइम, या अपन इसको टाइम को क्या बोल सकते हैं, बजे मतलब जैसे टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या है यहां पर 5 बजे से 6 बजे के मध्य
90 डिग्री का कोण कब बनेगा या 360 डिग्री का कोण बनेगा कब बनेगा, उस कंडीशन में अपन क्या लिखेंगे। देखो 5:00 पे बनेगा, इसका मतलब ये टाइम क्या होगा यहाँ 5:00, और वो जो टाइम आएगा मिनट जो आएंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी इसको कैलकुलेट करने के बाद में। अब उसके बाद में बात आती है अपनी 90 डिग्री के एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों। 90 डिग्री के एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा टाइम रेशियो 60/11 मल्टीप्लाई टाइम प्लस माइनस 3। ठीक है, ये हो गया अपना टाइम का फॉर्मूला 90 डिग्री एंगल का। अब 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, एक बार तो क्या करेंगे अपन प्लस 3 करेंगे और एक बार क्या करेंगे अपन माइनस 3 करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल कितनी बार बनते हैं, दो बार बनेंगे, दो एंगल बनेंगे, इसलिए पहले वाला एंगल प्लस करने पर निकाल लेंगे या माइनस करने पर आ जाएगा पहले वाला एंगल, दूसरे वाला कब आ जाएगा प्लस करने पर आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो, उसके बाद में बात आती है अपनी तीसरे एंगल की। तीसरा एंगल कौन सा हो गया, तीसरा एंगल हो गया 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री एंगल या 180 डिग्री का कोण। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, टाइम रेशियो 60/11 मल्टीप्लाई टाइम प्लस माइनस 6। अब ये प्लस माइनस 6 कब होगा भाई, ये वाली बात आपके डाउट में होंगे। देखो, अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम यहाँ नोट कर देंगे, टाइम अगर 6 से कम है तो अपन क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, अगर 6 से ज़्यादा है तो अपन क्या करेंगे, 6 से ज़्यादा मान लो 7 आ गया तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 8 आ गया, 8 से 9 के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा तो क्या करेंगे 8-6 कर देंगे, और कम आ गया तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वैसे तो आप काफ़ी समझदार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट वीडियो में, और इसी की एक इससे भी एक अच्छी ट्रिक्स के साथ में, एक बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ में, जिसका तुम लोग 5 सेकंड में एंगल निकाल पाओगे, ऐसी ट्रिक्स मैं कल आपके लिए लेके आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ में ही मेरी दुआएं आपके साथ हैं।